अरे दादा काहे को धीरे धीरे बोलते हो, हमारी सामने वाली पार्टी की इतनी सभा नहीं होती, एक कार्यकर्ता का मेला हुआ इतना बड़ा हुआ है, देखकर किसी को अटैक आ जाए। कोल्हापुर और उसके आसपास की 12 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भाइयों बहनों आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मित्रों आज महान शिव छत्रपति की जयंती है, बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज ही के दिन जन्म लेकर शिवराय ने पूरे देश में हिंदवी स्वराज का एक संदेश लेकर गुलामी के एक बहुत बड़े कालखंड में भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया था। आज सुबह पुणे के पास मैं, देवेंद्र जी, चंद्रकांत दादा, हमारे अध्यक्ष जी, सभी लोग गए थे और एक शिव सृष्टि का प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जब भी पुणे जाइए शिव सृष्टि जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबा साहेब पुरंदरे ने शिवाजी महाराज के पूरे जीवन को वहां पर संजोकर एक प्रेरणा स्थान बनाने का काम किया है। मित्रों आप सभी लोग जरूर शिव सृष्टि देखने जाइएगा। और अभी अभी मैं अंबाबाई का आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं। मैं जब भी कोल्हापुर जाता हूं महालक्ष्मी मां का आशीर्वाद लेने जरूर जाता हूं, क्योंकि हम सबके जीवन में मां का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। और मैं जब जब भी मां का आशीर्वाद लेकर गया हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है, विजय मिला है, आगे बढ़ी। आज भी यहां पर मैं 2024 के संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्र 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और दो तिहाई बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं, ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। मोदी जी ने इन 9 साल के अंदर ढेर सारे परिवर्तन करे, देश की प्रगति, देश में शांति, देश की सुरक्षा और देश की समृद्धि चकाचौंध हो जाए इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, मगर मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं, किंचित मात्र चिंतित नहीं हूं कि जिस पार्टी के साथ ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हो वो पार्टी कभी पराजित हो ही नहीं सकती। और यहां तो ये देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम और साथ में मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व और
परिणाम देने वाला नेतृत्व, ये दोनों का योग मणिकंचन का योग होता है, पराजय दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चंद्रकांत दादा वे धीरे 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 अपनी स्टाइल से कह रहे थे, बूथ वाले आए, शक्ति केंद्र वाले आए, विधानसभा वाले आए, अरे दादा काहे को धीरे धीरे बोलते हो, हमारी सामने वाली पार्टी की इतनी सभा नहीं होती, एक कार्यकर्ता का मेला हुआ इतना बड़ा हुआ है, देखकर किसी को अटैक आ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति का परिचायक, और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लोक संपर्क और लोक संग्रह के सूत्रों पर काम करने वाली पार्टी, और इसीलिए जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए विजयी होती है। मित्रों, मैं आज आप सभी को 2014 के पहले का भारत का परिदृश्य याद कराने आया हूं, और शरद राव जी को भी कहता हूं, आप तो मंत्री थे, याद करिएगा कैसा भारत हमें सौंप कर गए थे आप। 2004 से 2014 तक ऐसी सरकार चली कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और सारे मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे, जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार स्कैम, हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी, कभी केग कोई जांच जाहिर कर देते थे, कभी सीबीआई कूट पड़ती थी, वो सरकार चलाने वाले को मालूम ही नहीं था कि कौन आज हमें कहां से सर पर टपली लगाने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए, आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे, और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ था। दिल्ली के अंदर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, इनके कर्तृत्व के खिलाफ कोई कदम उठाए, कोई एक्शन ले, और प्रजा भी निश्वास के साथ सारी प्रक्रिया को मूक दर्शक बनकर देख रही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा कोई ठोर ठिकाना नहीं था, उत्तर पूर्व में ध्वज वंदन नहीं करने देते थे, नक्सलाइट क्षेत्रों में स्कूलें बंद करा दी, कलेक्टर की ऑफिस को ताले लगा दिए, कश्मीर के अंदर आए दिन बंद, हड़ताल, बम धमाके, बम विस्फोट, सारे थिएटर बंद, सारे कल कारखाने बंद, एक प्रकार से देश के अंदर अव्यवस्था अपने चरम पर थी, और दुनिया में भी देश की साख नीचे 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 गई थी। और उस वक्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अगला चुनाव उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे और वो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। देखते 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 आक्रोशित युवाओं की भीड़, एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गई और सब लोग मोदी जी के पीछे लग गए, और 2014 का जो परिणाम आया वो परिणाम मित्रों ऐतिहासिक परिणाम था। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आजादी के बाद पहली बार
भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों,